कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठिकूँ आप सब की दुआओं से की। जो चल रही है तैयारियाँ तो यह है चाय की पत्ती अमाजुन मुझे बहुत पसंद है पहले मैं टपाल लेती थी अब जो है ना मैं ये लेती हूँ कि अंडे निकालने हैं अंडे बनाने हैं अब मैं ऐसना से पूछ रही थी कि ऐसना पे अंडा खाना कैसे नहीं मैंने अंडा क्योंकि ऐसना बहुत आ, अंडों से पीछे भागती कि अंडे मैंने नहीं खाने यहाँ फ्राई पैन मैंने निकाला है अंडे बनाने के लिए सुबह का नाश्ता है आपको पता है जल्दी ही करना होता है क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं तो वहाँ चाय चढ़ी हुई है यहाँ पे अंडे बनाने हैं सो तो जो है नाश्ता बन रहा है हमारा बच्चे स्कूल नहीं है तो घर पे जो है ना कभी फ्रूट काट के दे दिया कभी चिप्स बना के दे दिया कभी जो है पॉपकॉर्न बना के दे दिया ऐसे छुट्टी वाले दिन मेरा चलता रहता है यानी मुझे ऐसा तो यहाँ जो है दूध डल चुका है और धम पे रख रही हूँ अच्छा चाय धम पे रखने के बाद जो है ना फिर मैंने जो है ना अंडे बनाने शुरू कर दिए अंडों के अंडों में मैंने ना कुछ डाला कुछ भी ही नहीं डाला हुआ सादे से अंडे जो है मैं फ़्राई करने लगी हूँ अच्छा यहाँ पे जब अंडे बन रहे होते तो मैं उनसे पूछ रही हूँ ये कौन से अंडे खाए तो हम मैंने ना मैंने जो है ना इन अंडों के नाम रखे हैं कि आपने कौन सा वो तो मेरे बच्चे कहते हैं कि हमने अमेरिकन अंडे खाने यानी कि अमेरिकन में ऐसे जो हाफ फ्राई हालांकि हाफ फ्राई होते हैं फुल फ्राई होता है फिर भी मैंने इनको जो है ना नाम अमेरिकन अंडे अब मेरे जो है ना जेठ का बेटा हँसता है जब भी मैं बच्चों से पूछती हूँ ना कि कौन से अंडे बनाओ कौन सा वाला अंडा खाओगे एक मेरी बेटी है ना वो तो कहती मुझे ना वो टमाटर पेस्ट होता है ना वो डाल के अंडे आ, अंडो अंडे बना के दो तो मेरा बेटा कहते हैं नहीं मुझे अमृत में वाला नहीं ये वाला अंडा बना के तो यहाँ पे अच्छा यार साधा सा नाश्ता होता है कि पूरे दिन में ना करने से ऐसे होता है कि वादा ज़मीनी नहीं होती मतलब ऐसा भरा भरा सा पेट नहीं लगता हल्का फुल्का सा होता है दिन में काम व भी कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ जो है पूरा नाश्ता तैयार है ये देखिए साधा सा नाश्ता सो so, उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद अब मैंने घर की सफ़ाई कर ली है सफ़ाई करने के बाद अब मैं यसना को जो है ना छुट्टी वाले दिन सर पे तेल ज़रूर 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 लगाती हूँ पहले मैं नहीं लगाती थी सुस्ती करती थी मैंने देखा कि यसना के ना आगे से बाल नहीं हो रहे थे बिल्कुल गंजी गंजी टाइप थी बिल्कुल हल्के से रुआ टाइप था अब नहीं मैंने इसके ना जड़ों में ना तेल लगाना शुरू कर लिया और तेल भी कौन सा है कलौजी का तेल वाटिका का जो कलौजी का तेल है और इसको मैं कटोरी छोटी सी कटोरियों में निकालती हूँ और इसके ना मांग निकाल कर इसको अंदर जो है ना इसकी मालिश करती हूँ जब मैं इसके तेल लगा तो मुझे ना अपने बाल याद आते हैं मुझे अपनी दादी याद आती है अल्लाह पाक मेरी दादी को जन्नतफरदोश में आला मकाम मैं उन्होंने मेरे बालों पर इतना किया है बहुत ज़्यादा मेरे बालों पर खैर और मेरे बाल इतने लम्बे घने सिल्की हुआ करते थे और सबसे एक बात बताओ मेरी दादी जो ना कभी भी बचपन में मेरे ना सर पे शैम्पू नहीं लगा बच्चों को ना ज़ोर 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 से मालिश मत किया करें आहिस्ता आहिते नरम हाथों से मालिश किया कर तो उनको भी मज़ा आए और हमें भी करने मज़ा आए उनको भी मतलब बड़े हो रहे हैं माशाला माशाला से अब इसके बालों को देखती हूँ ना मुझे अपना बचपन मुझे इसी तरह न, मेरी दादी जो है ना वो मेरी चुटियाँ उसके बाद जो है ना मेरी जेब मैंने पूरी की थोड़े से शीशे रह गए थे वो मैंने अपने जो है शीशे पूरे किए हैं अब जो, आ, जो है ना इसको मैं ऐसे शीशे सीने के बाद जो है ना बिल्कुल एक चुन्नट सी हो जाती है बिल्कुल एक छोटी सी जैसे जेब मेरा गले जो आगे का हिस्सा है ना मेरी कमीज़ का घग्गे का तो उसके बाद मुझे इसको चिपकाना है फिर इसको मैंने ठप्पे पे देना है ठप्पे पे उसके बाद जो पीछे का वो तनाव होता है वो आपको पे समझ में नहीं जब मैं सीऊँगी तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती जाएगी तो मैंने कहा आज छुट्टी का दिन है तो ये कर लूँ जो मेरा काम है वो कर लूँ उसके बाद जो है मुझे अपने दुपट्टा लेना है भी क्योंकि इसके बाद मुझे दुपट्टा सीना है दुपट्टे को फिर देना है कुरेशिया पर तो कितना टाइम लगेगा तो चल थोड़ा थोड़ा ये देखिए मेरी कितनी प्यार शीशों से बिल्कुल भर गई है शीशे सीते सीते ना मेरी उंगलियों पे भी चोटें आने शुरू हो निकली हूँ शहर की तरफ शाम हो गई थी अच्छा जेब चिपकाने के बाद फिर दोपहर तो का खाना बनाया फिर थोड़ी देर सो गई थी फिर शाम का टाइम है मैंने कहा थोड़ा सा निकलूँ बाहर की चीज़ें मिल रही थी और मुझे दुपट्टे चाहिए थे तो मैं अपने दुपट्टे के लिए आई थी सर्दियाँ आ गई हैं सर्दियों के लोशन वॉसलिंग सब आने शुरू हो गई सारे लाइन पर दुपट्टे लगे हुए अब मैं यहाँ पे आई हूँ दुपट्टा लेने के लिए और ये देखिए यहाँ बूंदे टंगे हुई हैं लटके हुए टंगे में लटके में, में, में यहाँ पे क्रीम सब कुछ सब कुछ अच्छा यहाँ ये छोटा सा शहर है यहाँ पे हमें अपनी ज़रूरत की हर 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 चीज़ मिल जाती है यहाँ रखे हुए लोशन सर्दी आ गई है ना अब सर्दियों के हिसाब से जो है सारी चीज़ें आ गई हैं ये मोती टंगे में या दुपट्टे हैं चाहे सिर्फ कोई बैठा हुआ था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है जब्पल पीछे की तब तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हम चाबार बड़े शहर में नहीं जाते हम छोटी छोटी सिटीज़ में आते हैं, हैं। शहर में जाते हैं और अपनी जरूरत की सारी दुपट्टा देखा जा रहा है और पता है अब नहीं अब मुझे दुपट्टा मिला ही नहीं और दूसरी शॉप पर आई हूँ शीशे लेने थे अब शीशे मैंने अपने लिए लेने थे क्योंकि okay, जेब सीने के बाद मेरे शीशे खत्म हो गए अभी मुझे अपना दुपट्टा भी सीना है और दो आस्तीन है वो भी सीनी है पूरी करनी तो उसके मेरे शीशे खत्म हो गए तो मैंने अपने टंगे में यहाँ पे कुछ कुरिशियों के मोती रंगे में हम कहते हैं मरवारत ये भी न्यू शॉप बनी वो जो ना बिल्डिंग दिखाई थी उसकी जो नीचे वाली शॉप है ना ये वो वो वाली शॉप है इतनी तो प्यारी लगी मुझे यहाँ पे ना कप आ, कपड़े यानी कि घग्गे कटिंग किए हुए यहाँ पे रखे हुए थे तो मैंने पूछा कितने के ये दुपट्टों के साथ आठ लाख का है यानी ईरानी आठ लाख अब पाकिस्तानी कितने बनेंगे मुझे नहीं पता कलरफुल थे अच्छा मेरे पास ख़ुद ऐसे मैंने एक सूट अपना लिया था और यहाँ खुशकस्मती से मेरा दुपट्टा निकला क्योंकि मैं तीन चार शॉप घूम घूम के मुझे दुपट्टा नहीं मिला यहाँ मुझे दुपट्टा मिल गया और ये है घोड़े जो नाखूनों पर लगाते हैं वहाँ से मैं निकली हूँ अब घर की तरफ घर पे भी जाती बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो मुझे सारे काम करने हैं चलो घर की तरफ चलते हैं शाम के टाइम पे यहाँ पे रश होती है हर कोई आता है अपने लिए सामान लेने के लिए एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे तो मेरा ब्लॉग कैसा लग गया है तो मुझे ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड के साथ अपने घर वालों के साथ मेरी जो है व्लॉगिंग शेयर किया